दार। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के लोगों को कानपुर देहात पुलिस द्वारा एक कर्मचारी को बर्बरता से पीटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एडीजी जोन भानु भास्कर के आदेश पर अकबरपुर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला अस्पताल परिसर के बाहर खड़े हुए एक व्यक्ति को, जो कि अपनी गोद में बच्ची को लिए खड़ा हुआ था, उसको भी बर्बरता के साथ लाठियों से पीटते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने ट्वीट कर इस पूरे मामले को बड़े स्तर पर पुल दे दी थी। जिला अस्पताल परिसर में हुई इस घटना को लेकर आईजी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले का निरीक्षण करने के लिए कानपुर देहात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर पुलिस द्वारा किए गए इस अमानवीय व्यवहार और घटना को निंदनीय बताया है। प्रभावित हुई लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो देखिए प्रकरण के दो पहलू हैं। एक तो ओपीडी का प्रकरण है, ओपीडी सुचारू कर दी गई, वो ओपीडी बंद थी, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे थे, पर्चे बन नहीं रहे थे, वो प्रकरण का एक पहलू। और उसके साथ जो अन्य साथी थे, जो पदरवी थी, उन पर क्या कार्रवाई की? वो विवेचना और जांच का विषय है, विवेचना और जांच का विषय है, लेकिन ओपीडी का प्रकरण एक पहलू है। ओपीडी को सुचारू चलना चाहिए, जनता बड़ी दूर दूर से आती है, उस जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसा अगर व्यवधान पैदा किया जाता है, जिसमें ब्रजनीश शुक्ला जी का नाम आया, जो जिन्होंने गेट बंद किया, और तो खुद स्वयं सरकारी कर्मचारी। कानपुर देहात में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के कोतवाल द्वारा बेरहमी पूर्वक मारे जाने के वीडियो जारी होने के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में आ गई है और अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के तमाम प्रयास कर रही है। कानपुर देहात से प्रशांत कटियार, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।